अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नक हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नक हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ख़ास टॉपिक पे, अहम टॉपिक पे, और इस टॉपिक के ज़रिए हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिसका ताल्लुक करामात औलिया कराम से भी है, और जिनको अगर आप बिल्कुल ही झुटला दें तो ये भी मुनासिब नहीं है, लेकिन उसको अगर आप समझते हैं तो कहीं कहीं वो करामतें, उनकी निशानात, उनके आसारात जो होते हैं वो मिलते हैं। मिसाल के तौर पे आपको लाहूत ला मकान में भी कहीं जानवरों या नुकसानदार चीज़ों के जो मूजी जानवर होते हैं या नुकसानदार चीज़ें होती हैं उनके मुंजमद यानि पत्थर बने हुए वो आपको नज़र आते हैं, और इलाका मकीन ये कहते हैं कि ये उस बुज़ुर्ग या वली ने उसको पत्थर बना दिया। और ऐसा ही अगर आप देखें तो हज़रत सैयद इमाम बरी सरकार शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह उसकी करामात में भी आपको मिलेगा कि बछड़ा जो था वो पत्थर हो गया, और देव पत्थर हो गया, या दूसरे जानवर जैसे सांप हैं वो पत्थर हो जाए, या कोई और जानवर पत्थर हो जाता है। तो ये क्या मुमकिन है? क्या ज़माने कदीम में ऐसे जादू थे कि जिससे पत्थर बन जाते थे लोग? तो इसकी मिसाल अगर आपको बहुत पुराने दौरों में देखनी है, एंशंट टाइम्स में, एंशंट इरा में अगर आप देखेंगे तो आपको मेसोडा जो एक मुजस्मा है जिसका जिस पे मूवीज़ में बनी हुई है, उसमें उसके सर पे जो है सांप निकले हुए नज़र आते हैं, और उसमें ये तासीर होती है कि जिसको भी देखती थी तो वो पत्थर बन जाता था। वो एक औरत थी ग्रीक मैथोलॉजी में, और उसने इंटरकोर्स कर लिया किसी भी शैतान से, और वो भी शैतान वो जिसका ताल्लुक जो है जुहिल के मकाम असफल से हो, यानि एक फरिश्ते होते हैं और दूसरी किस्म ज़मीन पे दीगर मखलूकात होती है जिसका ताल्लुक जो है जोयल से होता है, यानी उसमें प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो जोयल की स्पिरिचुअलिटी से होती हैं। तो वो सैटर्न ऐसा एक शैतान जिन था जिसका जिसमें जो था सैटर्न की पावर्स थी, और वो उस औरत के साथ चिमट गया, हालांकि वो बेइंतहा खूबसूरत भी थी। तो अब उसमें एक ख़ासियत पैदा हो गई थी कि जिसको वो देखती थी तो वो पत्थर बन जाता था। ये ऐसा ही होता है कि जैसे अगर जो औरतें हैं उनको अगर जिन्नात आ जाते हैं तो जिन्नात किस किस्म के हैं और उसको किस किस्म की बीमारियां या तकलीफ़ें होती हैं, तो वो एक ख़ुद बहुत सारी स्टोरीज़ इस पे बन सकती हैं, किसी में कौन सी जिन्नात है और उस जिन का क्या काम है, कोई जो है खबरें बताता है उसको, उस औरत को, तो वो भी है जिन, वो जिन है खबरें देने वाला। तो किसी तरह किसी औरत को अगर हकीम जिन होगा, हिकमत से ताल्लुक़ रखने वाला, तो वो उसको हिकमत की चीज़ें बता सकता है। तो रूहानियत में अशी बुरी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं कि क्या इसका कोई ऐसा प्रूफ जो हमारे मुकद्दस किताब, आसमानी किताब,
قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، تو اس کا تعلق اور اس طرح کی جو بات ہے وہ ہمیں ایک جگہ پہ ملتی ہے، اور وہ جو ہے قوم لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ لواطت کو پسند کرتی تھی، لڑکوں کو پسند کرتی تھی، لڑکیوں سے رغبت نہیں رکھتے تھے، لڑکوں کی طرف زیادہ جاتے تھے، خوشحال قوم تھی، امیر دولت مند قوم تھی اس دور کی، لوگ اس کے ملک میں جانا چاہتے تھے کوئی روزگار کی تلاش میں، لیکن پھر وہ ان لوگوں کو ستاتے تھے، چاہے وہ باہر کے ہوں، وہ نہ بھی کرنا چاہے تو ان کو وہ ہراساں کرتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا خوبصورت لڑکوں کی صورت میں، اور وہ فرشتے جب اس قوم کی طرف آئے تو اس قوم کے لوگ جو تھے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے آئے، اور ان سے ایک بے شرمی والا تقاضا کیا کہ ہمیں یہ مہمان دے دیں۔ حضرت نے منع کیا تو حضرت لوط علیہ السلام کو ان فرشتوں نے، جو کہ فرشتے تھے لڑکوں کے صورت میں تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے لوگ لے کے یہاں سے نکل جائیں، ہم اس شہر کو ختم کریں گے۔ اور جب ان کی جو بیوی تھی وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو جب وہ نکلے تو اس کی بیوی راستے میں پتھر بن گئی۔ اب وہ جو فرشتے تھے وہ کس آسمان سے تعلق رکھتے تھے، کس اسٹار کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تو وہ فرشتے جو تھے وہ زحل سیارہ یا سیٹرن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور ان کو آسمانوں پہ اوپر جب لے کے پھر ان کو نیچے دبا دیا گیا، اور یہ قوت تھی سیٹرن، شنی یا زحل کے تاثیرات تھی کہ وہ عورت، اس کا مجسمہ آج بھی عرب کے ممالک میں موجود ہے۔ آج کل تو یوٹیوب ہے، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کا مل جائے گا نشان۔ دیکھو وہ ایک عورت تھی لیکن پتھر بن گئی۔ اسی طرح دوسرے بھی آپ کو مل جائیں گے مثالیں، آپ کو مکہ کی ہسٹری میں بھی ملیں گے، لیکن میں آپ کو وہ حوالہ دے رہا ہوں جو کہ اتھینٹک قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ پتھر بن گئی تھی نا۔ تو اب یہ کیا صورت ہے کہ وہ پتھر بن جاتے ہیں؟ تو دراصل اولیاء کرام جب مخصوص ریاضت کا ارادہ کرتے ہیں، مخصوص کوئی چلا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے حصار پہ جو حصار کرتے ہیں اس پہ حصار میں زحل کے فرشتوں کو مامور کر دیتے ہیں۔ زحل کے فرشتے جب مامور ہوتے ہیں تو اب وہاں پہ کوئی بھی ضرر پہنچانے والی مخلوق داخل ہونے کی کوشش کرے گی، یعنی اطاعت نہیں کرے گی، نقصان دینا چاہتی ہو، سانپ ہو، بشو ہو، شیر ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو اطاعت کرنے والی ہوگی وہ دور سے ہی ادب کرتے ہوئے واپس چلی جائے گی، لیکن جو اطاعت نہیں کریں گے تو وہ پتھر بن جاتے ہیں۔ اور ان کی مثال آپ کو برصغیر میں بھی ملے گی، اوت شریف میں سانپ کو جو ہے وہ کوڑا بنا کے وہ سانپ پتھر کا نظر آئے گا آپ کو دیوار پہ، جو کہ حضرت پیر سید جلال الدین جانیہ شاہ جان گشت نے بنایا تھا۔ اور اس کی مثال آپ کو حضرت شاہ عبد الطیف المعروف امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کی جو ہے کرامات میں بھی نظر آئے گا۔ اب آتے ہیں
कि वो क्या तरीके हैं और कौन से वो फरिश्ते हैं। तो मेरे भाई, जब हिसार बामोकिल करते हैं औलिया किराम, तो उन हिसारों में फरिश्तगान जिस जिस स्टार के होते हैं उनको शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पे जुहिल का जो फरिश्ता है उसको कस्फियाइल कहा जाता है, और उसके जो मातहत है मेमुना जंगी है, और इसमें आदम का जब वास्ता दिया जाता है तो वो फरिश्ते जो हैं हिफाजत में मामूर होते हैं, और हर तकलीफ़ दह चीज़ को आपके यहाँ आने से रोक देते हैं, पत्थर बना देते हैं, मुंजमद कर देते हैं, साख्त कर देते हैं, यानी वो चीज़ साख्त हो जाती है। इसी तरह इस जो है हिसार की वजह से अगर डाकू जालिम आपको नुकसान देना चाहता हो, अगर वो हिसार ये पढ़ लें, क्योंकि मैंने इस हिसार का ज़िक्र नहीं किया लेकिन मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, तो वो हिसार अगर पढ़ेंगे तो वो डाकू होंगे जो जालिम होंगे, जो आपको नुकसान देना चाहेंगे, वो मंजमद हो जाएंगे, पत्थर बन जाएंगे, यानि उनका जिस्म हरकत नहीं करेगा। तो ये तासीरात हैं। इस हिसार को भी हम कभी शेयर कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को सिर्फ जानकारी के तौर पे आप लोगों को हम बता रहे हैं कि ये हिसारात जो होते हैं ये कोई मामूली हिसारात नहीं होते, इनके बड़े फ़वाद होते हैं। और ये हिसारात सिर्फ ये नहीं है कि आप अमल पढ़ रहे हैं तो उस वक्त ही किए जाते हैं, बल्कि आप अगर मामूलात में रखेंगे तो वो जो शयातीन हासिद इंसान हो, जिन हो, दीगर मखलूकात हो, सांप, बिशू, तरंद परंद, जो भी नुकसानदह चीज़ होगी वो साख्त हो जाती है, पत्थर बन जाती है, साख्त हो जाती है, या वो उन लोगों को लकवा लग जाएगा जैसे फालज कहते हैं। तो ये इतना कमाल का हिसार है, और ये ख़ास राज है, रूहानियत का राज है, जो मैं आप लोगों को जो शेयर करता हूँ वो हकीकतन आप लोग इसकी कदर करें और समझें कि मैं आप लोगों को रूहानियत के कौन से राज खोल रहा हूँ, रूहानियत के कौन से पर्दे हटा रहा हूँ जो जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। यानि एक तो वो है कि आपने अमल किया और शरीर नुकसानदह चीज़ पत्थर बन गई। अब ये जो फ़ायदा है ये इनफरादी है, कोई भी बुज़ुर्ग वली किसी मखलूक को जानबूझकर पत्थर नहीं बनाता, ये सिर्फ एक हुक्म होता है उनको कि हमारी हिफाजत की जाए, तो जब वो उसकी हिफाजत पे मामूर होते हैं तो अब जो भी चीज़ आएगी तकलीफ़ देने वाली वो उसको सज़ा हो जाती है। ऐसे ही जो लोग औलिया कराम की मज़ारात पे जाते हैं और वहीं पे कोई भी गलत काम करते हैं तो वली कामिल की रूह उसको तकलीफ़ नहीं देती, उससे पहले वहाँ पे मौजूद उस बुज़ुर्ग की अमल जो इस दुनिया से करते थे उसके जो मातहत मौकलात होते हैं वो उस बंदे को सज़ा देते हैं, क्योंकि रूह जो है वो किसी से नफ़रत नहीं करती, वो तो फिर भी माफ़ कर देती है। लेकिन अब जब वो मौकलात होते हैं तो वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि एक बड़ी हस्ती उसकी जो है आप मज़ार पे कोई गलत काम करें, तो उनके ऊपर फिर वो मुसलत हो जाते हैं या उनको सज़ाएं दे देते हैं। तो पत्थर बनाना ये दरअसल जानबूझकर औलिया किराम की मर्ज़ी नहीं होती है, मजबूरन ये होता है। और इस तरह के पुराने दौर में सहर व जादू भी थे, जिसका मेडोसा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि वो भी एक खूबसूरत औरत थी और उसको एक जादुई तासीर आ गई, यानी एक शैतान उनके जिस्म में हलूल कर गया, और उसकी तासीर की वजह से जो है वो जिसको भी देखती थी तो पत्थर बना देती थी।
तो इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तफादा करेंगे। खुदा हाफिज़।